जय हिंद साथियों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो जनसंख्या और नगरीकरण देखने वाले हैं। और ये आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन भी बने थे। आगे भी संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक जनसंख्या एवं नगरीकरण को। देखिए इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और थोड़ा सरल शब्दों में पढ़ेंगे ताकि याद हो जाए आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनसंख्या नगरीकरण। देखिए जो जनसंख्या नगरीकरण है वो आपके संघ सूची का विषय है। इस पर केंद्र सरकार क्या करती है, जनसंख्या कराने का दायित्व किसका होता है, केंद्र सरकार के पास है। तो जनसंख्या जो है वो किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। अगर आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल आपका 246, आर्टिकल 246 में आपका ये जनसंख्या और नगरीकरण से रिलेटेड प्रावधान दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि जनगणना संगठन का सर्वोच्च पद कौन सा होता है, मतलब जनगणना कराने का दायित्व किसके पास होता है, सबसे सर्वोच्च पद, उच्च पद कौन सा माना जाता है। तो ये होता है भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, ये होता है सर्वोच्च पद माना जाता है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। यहाँ से इस बार क्वेश्चन देखा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि जनगणना संगठन का सर्वोच्च पद कौन सा होता है। आपके ऑप्शन में दिया हुआ था रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब कराई गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम जो जनगणना है वो 1872 में कराया गया था। और किसके टाइम पर कराया गया था, लॉर्ड मेयो के समय पर कराया गया था 1872 में सर्वप्रथम जनगणना। अब बात करेंगे नियमित रूप से जनगणना कब स्टार्ट होने लगा, मतलब हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कब से कराई जाने लगी। तो ये कराई जाने लगी 1881 से। और इस समय किसका शासन चल रहा था, कौन था जो वायसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में क्या कराया गया, नियमित रूप से क्या कराया गया, जनगणना कराया गया। और कब कराया गया, 1881 में। बात करेंगे 2011 की जनगणना का क्रम कौन सा है। तो अगर 2011 शुरू से अगर देखेंगे, स्वतंत्रता से पहले से अगर हम अभी तक देखते आए, तो ये हो जाती है आपकी 15वीं जनगणना, ठीक है। और अगर आज़ादी के बाद की पूछेगा, स्वतंत्रता के बाद की अगर पूछेगा, तो ये हो जाती है आपकी 7वीं। देखो इसको कैसे याद करेंगे, इसको देखिए यहाँ पे स से स्वतंत्रता, स से 7 होता है। तो आप ऐसे याद कर लेंगे कि स्वतंत्रता के बाद की जो ये जनगणना है वो कौन सी है, 7वीं जनगणना है। और 2011 की जनगणना अगर पूछेगा तो ये हो जाती है आपकी 15वीं जनगणना। बात करेंगे कि 2011 की जब जनगणना कराई गई थी तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे, मतलब ये रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया उस समय कौन थे, तो वो थे आपके सी चंद्र मौली। कौन थे, सी चंद्र मौली। अच्छे से इनका नाम याद कर लीजिए कि अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे, तो उस समय थे सी चंद्र मौली। और आपके लिए एक सवाल है, आप हमें कमेंट में, आप हमें आंसर देते नहीं हैं, मैं आपका कमेंट देखती हूँ। एक या दो लोग मुश्किल से क्वेश्चन का रिप्लाई देते हैं, बाकी लोग नहीं देते। तो सब लोग कोशिश करिएगा कि इसका आंसर आप जरूर कमेंट करिएगा कि इस समय वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है, वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है। इसका जवाब सब लोग कमेंट में करिएगा जरूर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, अगर शुभंकर की बात करें तो शुभंकर प्रगणक शिक्षिका हो जाती है। और आदर्श वाक्य की बात करें, इसका आदर्श वाक्य था, इस 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब हम देख लेते हैं कि आगे हम बात करेंगे कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 121 करोड़ है।
ये 2011 के जनगणना के जो आंकड़े हैं वो बता रही हूँ मैं। अभी वर्तमान में ये करीब 142 करोड़ तक पहुँच गया है, पर आपको एग्ज़ाम में यही आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी 21 जनगणना अभी नहीं हुई है 2021 वाली, तो आपसे 2011 का ही पूछा जाएगा। और ये विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट है, तो ये 17.5% है। भारत की जनसंख्या जो है वो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितने परसेंट है, 17.5% है। और अगर लिंगानुपात की बात करें कि भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943 का है लिंगानुपात है, जिसमें अगर पुरुष का पूछे जाएगा कि पुरुष का लिंगानुपात कितना है परसेंट में, हम याद करेंगे, क्योंकि वो जो डाटा होती है आंकड़े होते हैं वो नहीं इतना पूछे जाते, अगर कभी कभी पूछा जाएगा तो ये परसेंट में आपसे पूछ लिया जाएगा। 943 तो हो जाता है लिंगानुपात भारत का, उसमें पुरुष कितने हैं 51.47% और जो महिला है वो 48.53%, महिला 48 आप मोटा मोटा याद कर लीजिए और पुरुष जो है वो 51, ठीक है, मतलब 3% थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं पुरुष। फिर नेक्स्ट बात करेंगे शिशु लिंगानुपात की, शिशु लिंगानुपात जो होता है वो 919 है। देखिए कैसे याद करेंगे, शिशु जो होता है वो एक साल मतलब एक महीने के बच्चे को हम क्या कहते हैं, शिशु कहते हैं, तो आप ऐसे याद कर लीजिए। और ये नौ मतलब शिशु कब बनते हैं, जब वो 9 महीने अपने माँ के गोद में रहते हैं, और फिर वो जब पैदा होते हैं तो वो 1 महीने के, तो वो 1 महीने का क्या हो जाता है, शिशु हो जाता है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए शिशु लिंगानुपात कितना है 919, और लिंगानुपात टोटल अगर भारत का पूछा जाएगा तो कितना है 943। साक्षरता की बात किया जाए तो 74% टोटल लिटरेसी रेट जो है वो 74% है साक्षरता, जिसमें पुरुष साक्षरता का पूछा जाएगा तो 82.14% और महिला का बात किया जाएगा तो 65.46% क्या हो जाती है महिला साक्षरता। जनघनत्व की बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जनघनत्व, बार बार पूछा जाता है, तो जनघनत्व जो है भारत का कितना है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 किलोमीटर पे कितने व्यक्ति रहते हैं, तो वो होता है आपका जनघनत्व। तो कितने रहते हैं 382 व्यक्ति क्या रहते हैं प्रति किलोमीटर पर रहते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, चलिए हम देख लेते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, यूटी कौन से हैं और जिला कौन सा है। ये पहले हम जनसंख्या वाले राज्य को देखते हैं, फिर हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे कि लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ है, साक्षरता, वो सब आगे पढ़ेंगे, पहले हम जनसंख्या कवर कर लेते हैं। अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछता है तो आपका हो जाता है यूपी, पहले नंबर पर कौन आ जाता है यूपी। देखिए यूपी में पी ऐसे लिखा हुआ है ना, तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि पहले नंबर पर कौन आ जाता है, पी आ जाता है। फिर आता है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में देखो एच में 2 लाइन है, तो ऐसे याद कर लीजिए कि दूसरे नंबर पर कौन आ जाता है महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर कौन है आपका बिहार। फिर बात करेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य की, तो न्यूनतम जनसंख्या में पहले नंबर पर आता है आपका सिक्किम, और फिर आता है आपका मिजोरम, मतलब जहाँ की न्यूनतम जनसंख्या होगी वहाँ के लोगों के पास सिक्के क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, और वहाँ के लोग कैसे क्या करेंगे, बहुत मज़े भी करेंगे। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि जहाँ की जनसंख्या न्यूनतम होगी वहाँ के लोगों के पास सिक्के भी ज़्यादा होंगे और वहाँ के लोग मज़े भी ज़्यादा करेंगे। फिर हम बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश की, कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या रहती है, तो ये हो जाती है आपकी दिल्ली, और दूसरे नंबर पर आ जाता है पुद्दुचेरी। देखो इसको कैसे याद करेंगे, जो जनसंख्या है वहाँ ज़्यादा लोग वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ के लोगों के पास ज़्यादा दिल होगा, तो दिल से हम याद करेंगे दिल्ली, तो लोग कहाँ जनसंख्या ज़्यादा है यूटी में दिल्ली की, तो लोग वहाँ ज़्यादा जाना मतलब वहाँ के लोग ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाएंगे जहाँ लोगों के पास क्या होगा ज़्यादा दिल होगा। तो आप ऐसे याद कर लेंगे दिल्ली, और फिर नेक्स्ट लास्ट सेकेंड नंबर पे आ जाता है आपका पुद्दुचेरी। फिर बात करेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ये है आपका लक्षद्वीप।
इसको कैसे याद करेंगे? यह बेचारे का लक्ष्य जो था वो था ज्यादा जनसंख्या करने का, पर इनका जो लक्ष्य था वो क्या हो गया, फेल हो जाता है और ये आ जाते हैं बेचारे अपने न्यूनतम जनसंख्या को लेकर। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप। इनका लक्ष्य था ज्यादा जनसंख्या बढ़ाने का, पर ये बेचारे अपना न्यूनतम जनसंख्या लेकर चले आते हैं। फिर बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका थाने, और ये थाने कहाँ पड़ता है आपके महाराष्ट्र में। इसको आप ऐसे याद कर लेंगे, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है अगर पूछेगा तो ये हो जाता है दिबांग, और ये दिबांग आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग में जो दिबांग जिला है वहां पे न्यूनतम जनसंख्या क्या रहती है, रहती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, चलिए अब हम देख लेते हैं कि सर्वाधिक दस की वृद्धि किस राज्य में देखने को मिली है, तो ये हुआ है मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा दस की वृद्धि हुई है किस राज्य में, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में। फिर हम बात करेंगे न्यूनतम की, न्यूनतम दस की वृद्धि कहाँ देखने को मिलेगी आपको, नागालैंड और केरल में। न्यूनतम की बात करेगा, देखिये न यहाँ पे न छुपा हुआ है, न से न्यूनतम और दस की वृद्धि की बात करेगा तो न से नागालैंड हो जाएगा, और फिर दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका केरल। सर्वाधिक अगर पूछेगा सर्वाधिक दस की वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये हो जाता है दादरा नगर हवेली, और दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका दमन दीव। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए दस दस की, और सर्वाधिक अगर पूछेगा तो दादरा नगर हवेली, दस से दस की, दस से दादा, तो आप ऐसे याद कर लेंगे, और दस से दमन दीव, दोनों द द, और यहाँ पर भी द छुपा हुआ है। तो सर्वाधिक दस की वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाता है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। अगर न्यूनतम की बात करेगा कि न्यूनतम दस की वृद्धि कहाँ किस केंद्र शासित प्रदेश में हुई थी, तो ये हुआ था आपका लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में न्यूनतम दस की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछेगा तो ये हो जाता है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप न्यूनतम जनसंख्या में भी क्या था, पहले नंबर पर था। फिर बात करेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक लिंगानुपात अगर बात करेंगे तो ये हो जाता है केरल का, और दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका तमिलनाडु। ये दोनों देखिए दक्षिण भारत के राज्य हैं, और दोनों जो है वो लिंगानुपात में क्या है, टॉप पर है। कौन कौन से राज्य, केरल और तमिलनाडु हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं, तो न्यूनतम की बात करेगा तो ये हो जाता है हरियाणा, और दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका जम्मू एंड कश्मीर। फिर बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की, तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है, वो हुआ है आपका पुदुचेरी, और न्यूनतम की बात करेगा तो ये हो जाता है आपका दमन और दीव। अब हम बात कर लेते हैं कि साक्षरता में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा साक्षरता किस राज्य की है और सबसे कम किस राज्य की है, उसको देख लेते हैं। अगर सर्वाधिक साक्षरता राज्य का पूछा जाएगा तो वो हो जाता है केरल, और दूसरे नंबर पर आ जाता है मिजोरम। सर्वाधिक साक्षरता केरल की है और मिजोरम की है। देखिए व्यक्ति जो पढ़ा लिखा रहता है वो करेले के बारे में क्या जानता है, उसकी खूबियों के बारे में अच्छी तरीके से वो जान पाएगा, तो ऐसे याद कर लेंगे। तो जिस व्यक्ति के अंदर साक्षरता ज्यादा होगी वो करेले की खूबियों को अच्छे से समझ पाएगा, और उसको तो करेला खाने में बहुत मजा भी आएगा। तो आप ऐसे याद कर लेंगे कि सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है, केरल की, और दूसरे नंबर पर मिजोरम की। बात करेंगे न्यूनतम की, तो न्यूनतम जो साक्षरता है वो आपके बिहार की है, और दूसरे नंबर पर कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। इसको कैसे याद करेंगे, जो आंचल है उसके अंदर साक्षरता जो थी वो कम थी, इसीलिए वो क्या हो गई, हार गई। तो आप ऐसे याद कर लेंगे, आंचल जो है वो दूसरे नंबर पर आ जाती है, तो जो आंचल थी वो हार जाती है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर साक्षरता क्या थी, न्यूनतम थी। बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की, तो सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वो आपके लक्षद्वीप में देखने को मिलेगा, और बात करेंगे न्यूनतम की, तो न्यूनतम जो होती है वो दादरा नगर हवेली में।
तो जो लक्षद्वीप था उसका लक्ष्य था कि मैं सबसे आगे क्या करूंगा, सबसे आगे रहूंगा किसमें, साक्षरता में, पढ़ाई लिखाई में। तो वो अपने लक्ष्य को क्या कर जाता है, पार कर जाता है, पूरा कर जाता है। तो ऐसे याद कर लेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश में अगर साक्षरता की बात किया जाएगा तो वो हो जाता है आपका लक्षद्वीप, क्योंकि वो अपने लक्ष्य को क्या कर लिया, पूरा कर लिया। और अगर न्यूनतम की बात करेंगे तो दादरा नगर हवेली हो जाता है। देखिए जो दादा लोग होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, तो आप केंद्र शासित प्रदेश में ऐसे याद कर लेंगे। दादरा से हम याद करेंगे, यहाँ पे दाद छुपो तो दादा लोग क्या होते हैं, बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं। फिर बात करेंगे सर्वाधिक जनघनत्व की। जनघनत्व सर्वाधिक कहाँ है आपको, बिहार में, और दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका पश्चिम बंगाल। न्यूनतम साक्षरता कहाँ की है, बिहार की, इसीलिए वहाँ क्यों, क्योंकि वहाँ पे जनघनत्व क्या है, ज्यादा है। तो आप ऐसे याद कर लेंगे कि बिहार का जनघनत्व ज्यादा है, और बिहार के बगल में ही क्या रहता है, बंगाल। बिहार के बगल में है बंगाल, दूसरे नंबर पर आ जाता है बंगाल। न्यूनतम जनघनत्व पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश, और दूसरे नंबर पर आ जाता है मिजोरम। अब वही केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो जनघनत्व है वो दिल्ली का हो जाता है, और न्यूनतम की बात करेगा तो वो हो जाता है अंडमान और निकोबार का। फिर हम बात करेंगे, देखिए सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछेगा तो ये हो जाता है अपना उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनसंख्या परसेंट में अगर पूछेगा तो ये हो जाता है आपका पंजाब, प्रतिशत पंजाब। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य अगर पूछेगा तो ये हो जाता है आपका मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या रहते हैं, अनुसूचित जनजाति रहते हैं। अब प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाएगा तो ये हो जाता है सर्वाधिक लक्षद्वीप में रहते हैं। फिर बात करेंगे ग्रामीण जनसंख्या की। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाता है आपका, यूपी बिहार। साथ में याद कर लीजिए, यूपी बिहार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंट के हिसाब से, अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछेगा तो ये हो जाता है आपका हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछेगा तो ये हो जाता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लोग क्या होते हैं, सर्वाधिक शहरी होते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। और सर्वाधिक शहरी प्रतिशत वाला अगर राज्य पूछेगा तो ये हो जाता है आपका छोटू सा राज्य गोवा। तो ये हो गया। और देखिए अगर ग्रामीण जनसंख्या पूछेगी कितनी परसेंट है तो ये मान के चलिए 68.28% समथिंग क्या है आपकी ग्रामीण जनसंख्या रहती है, और शहरी की बात करेगा तो ये 31.2% ये क्या रहती है, ये आपकी शहरी जनसंख्या है। तो चलिए ये हो गया जनसंख्या और नगरीकरण से रिलेटेड जो टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप इसको एक दो बार और अच्छे से देख लेंगे तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे।